देखिए थैंक यू सबसे पहले जो आपने बोला थोड़े समय में एक जगह बनाने के लिए, तो कोशिश हमेशा से यही रही है कि ऐसी फिल्म्स करूं जो इंटरेस्टिंग हो, जिनको लोगों को देखने में मज़ा आए, जिनको जब मैं डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग के लिए जाता हूं सुन के मुझे इंटरेस्टिंग लगे। तो ये भी एक ऐसी फिल्म है, 2016 दी एंड, 2016 दी एंड, 4 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। और बड़ी मज़ेदार सी इसकी वन लाइन थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली और 7 दिन बचे हैं और ये 4 दोस्त मिलके क्या क्या करते हैं उसमें, और इनकी उस 7 दिन की जर्नी की कहानी है उसमें, कैसे कैसे विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं इनकी जर्नी में और क्या क्या होता है इनके साथ। तो सुनते ही मैं बहुत एक्साइटेड था। आपका दूसरा प्रश्न जो है कि कितना मुश्किल होता है खास से फिल्म में काम करना, तो आई थिंक जैसा कि बोला जाता है कि कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसकी टाइमिंग या तो आपके पास है या नहीं है। कॉमेडी शायद ही ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप काम कर सकते हैं एज एन एक्टर, वो मुझे लगता नहीं। बट आई थिंक टाइमिंग से भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है राइटिंग। राइटिंग बहुत ज़रूरी है कॉमेडी फिल्म की अच्छी होना। और इसकी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी 2016 दी एंड की, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मतलब उसमें जेन्युइन ह्यूमर है, फोर्स्ड कॉमेडी नहीं है, जिसे हम बोलते हैं लाउड कॉमेडी नहीं है, कुछ अश्लील कॉमेडी नहीं है जिसका चलन आजकल बहुत चला हुआ है। बड़ी साफ़ सुथरी परिवार दोस्तों के साथ, छोटे बड़े दादा दादी बच्चे किसी के भी साथ जाके देख सकते हैं। मज़ेदार फिल्म है, सुन के मुझे मज़ा आया, तो मुझे लगा जब फिल्म करूँगा तो हो सकता है लोगों को भी मज़ा आए देखने। देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि फिल्में जिस प्रकार की पहले बनती थी, अब क्योंकि थोड़ी डिफरेंट प्रकार की बनने लगी हैं तो इसलिए चेंज आ गया है। पहले बहुत क्लियर कट होता था कि ये विलन है, ये हीरो है, ये कॉमेडियन है, ये सास है और ये है। आई थिंक आजकल हम क्योंकि रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रियलिज्म में अब जैसे अगर 4 दोस्तों की कहानी है तो उसमें अब आपको एक महमूद साहब या एक जॉनी लीवर साहब जैसे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम ही देखें, हम अपने आसपास के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उसमें कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होता है जो सिर्फ हंसी मजाक की बात करता रहे। जब उसको जॉब की दिक्कत आती है या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता है या घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या किसी की तबीयत ख़राब होती है, वो इंसान भी सैड होता है। तो बात अब क्योंकि रियलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कुछ मुझे लगता है कि किसी एक किरदार को सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि अच्छा भैया तुम तो कॉमेडी ही करोगे या तुम तो नेगेटिव ही करोगे, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। आई एम वेरी हैप्पी ये जो नया चलन है जिसमें कोई एक आदमी पे एक ही छाप नहीं लगी हुई है। वो आदमी दुखी भी होता है, वो आदमी हंसी मजाक भी करता है, जैसे हम सब लोग हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं, कभी इमोशनल होते हैं। सो आई लाइक दिस ट्रेंड। सी ऑनेस्टली मैं अभी करियर के जिस स्टेज पे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि वेदर इट्स अ मल्टी स्टारर या सिंगल हीरो फिल्म। अभी मेरा ध्यान है अच्छी फिल्मों में काम करना, वो फिल्में जो लोग देखना पसंद करें। ऑल्दो एक सोलो हीरो की जो बात होती है उसके लिए भी एक 21 तोपों की सलामी करके एक फिल्म आई थी जो कि मैंने करी थी, सराहना मिली उसको काफ़ी, बॉक्स ऑफिस पे इतनी नहीं चली, लेकिन आई थिंक नॉट जस्ट मी, हर एक्टर के लिए ही ये ज़रूरी है कि कहानी पे ध्यान रखें, फिल्म की कहानी क्या है, एंटरटेनिंग है कि नहीं उस पे ध्यान रखें। और अभी तो मेरे जैसे एक्टर के लिए बहुत शुरुआती दौर चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में मेरा, बहुत साल बचे हुए हैं, धीरे धीरे आराम आराम से एक बार अपनी पहचान बनाऊँ और अच्छे से, तब सोलो हीरो फिल्म की तरफ जा सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये ज़रूर इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि वो लोग एक्टर हैं भी कि नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है और आप
अच्छे दिखते हैं और आप लंबे चौड़े हैं, आपने बॉडी बना ली है, इससे आप एक्टर नहीं बन जाएंगे। और ये सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, डायरेक्टर, कैमरामैन, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर, म्यूज़िक, किसी के लिए भी फिल्म एंथूजियास्ट होना एक अलग बात होती है, फिल्मों को देखना, फिल्मों की जानकारी रखना, लेकिन आपके अंदर वो बात है कि नहीं, ये अलग बात है। तो सबसे पहले हमको अपने आप से सच बोलना होता है कि आईने में देख के हम खुद ये बोलें कि हाँ भाई, मैं एक एक्टर हूँ कि नहीं, अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं किस किस तरीके का काम कर सकता हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग की बात आती है, आप थिएटर कीजिए, जैसे मेरे केस में मैंने थिएटर किया, FTI पुणे में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाके 2 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आके आपकी जंग शुरू होती है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आप में टैलेंट है तो देर सवेर आपको कोई ना कोई पहचानेगा, ज़रूर देगा। हाँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर से नहीं है तो कोई आपके लिए फिल्म परोस के नहीं बैठा है यहाँ पे, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, ऑडिशंस अच्छे जाएंगे फिर भी आप रिजेक्ट होंगे, उसमें वो सब होगा। लेकिन आई थिंक ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपने आप में विश्वास, ट्रेनिंग, अपने आप से सच बोलना कि आप सच में उस जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं, आप उसके लायक हैं भी कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, और एक प्रोजेक्ट मैंने किया, 80-90 पूरे 100 नाम है उसका, ड्रामा है, और जो आप बात कर रहे थे सोलो फिल्म है, कहानी बहुत मज़ेदार है, वो एक बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। उसका मैं शूटिंग हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, और एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट जिनका हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल एक अच्छे हैप्पी स्पेस में हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ जो भी काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।